अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ्रूक हैदर, आप देख रहे हैं पाक शिक्षण निगम। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का, यानी इसमें कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा मिल जाता है एक ही कंसेप्ट एक ही लेक्चर में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर देख लें अगर आपने ये सही तरह समझना है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस, चौथा स्कूल ऑफ थॉट था, और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊँ कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से मुराद क्या है। इसका जो फाउंडर है ना, इसका नाम है मैक्स वर्दीमा। ठीक है, और इनके मुताबिक क्या था, इसने कहा कि हम चीज़ों को ना एज ए होल ही इसमें देखेंगे, ठीक है, परसीव करेंगे, और इसमें हम चीज़ों को ना पार्ट्स में तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है, मसलन अगर हम एक कुर्सी को देखते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे ये इसमें चार टांगे हैं, ये बैक पे लगी हुई है स्पोर्ट, ये इसमें बैठने की जगह है, बल्कि हम कहेंगे कुर्सी है, एज ए होल लेंगे। ठीक है, अगर आपके हाथ में ये सामने लैपटॉप है या मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो इसमें भी हम कहेंगे हाँ ये लैपटॉप है स्क्रीन, हम ये नहीं कहेंगे इसमें ये प्लास्टिक लगा हुआ है ये लोहा लगा हुआ है, एज ए होल चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक और ले मिसाल के, मसलन हम किसी दरख्त को देखते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि लकड़ी है या फिर यहाँ पर ये पत्ते हैं, बल्कि हम कहते हैं ये दरख्त ही है, हम बाल की खाल नहीं उतारते इसमें। ठीक है, एज ए होल देखते हैं चीज़ों को मजमू तौर पर। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ ए स्कूल ऑफ थॉट डैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज ए होल। ये एज ए होल ही इन दोनों को देखता है बजाय इनके कि इनको डिटेल से पढ़े। ओरिजिनेटिंग द वर्क ऑफ मैक्स वर्दीमा, ये इसका फादर था यानी फाउंडर था। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म्ड पार्शली एज ए रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विलियम वॉन्डेट। विलियम वॉन्डेट ने जो क्या नाम है स्ट्रक्चरलिज्म का दिया था ना अपना स्कूल ऑफ थाट, तो ये उसके रिस्पॉन्स में कह लिए हमारे सामने आई थी। ठीक है, उसमें क्या था स्ट्रक्चरलिज्म में कि हम उसमें ना पार्ट चीज़ों में पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स में, लेकिन इसमें नहीं करते। द जर्मन वर्ल्ड गेस्टाल्ट, ये जो वर्ड है ना गेस्टाल्ट, इसका मतलब ये जर्मन का लफ्ज है और इसका मतलब है होल, होल यानी मजमू तौर पर। एंड दे बिलीव्ड, और ये उनका यकीन था, दैट पीपल आर मोर दैन द सम ऑफ देयर पार्ट्स एंड दे एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज ए होल एज ए यूनिट एज वन यूनिट। यानी इसमें कहते हैं कि इंसान है ना, उसको हम इंसान को ना ये पूरे इंसान के तौर पर ही तसव्वुर करना चाहिए बजाय इसको पार्ट्स में तकसीम करें। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, गेस्टाल्ट ने एक बोला था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजीज गोल वाज टू स्टडी द परसेप्शन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनैलिटी एज ए होल। इसमें ये सारी चीज़ें परसेप्शन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी चीज़ें या जो पर्सनैलिटी ये एज ए होल देखते हैं। ठीक है, मजमूई तौर पर, और इसमें चीज़ों को बस ये है कि हमने मजमूई तौर पर देखना, हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, मेन चीज़ इसमें ये है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव डैट यू मस्ट लुक एट द होल ऑफ एक्सपीरियंस, देयर वी पॉइंट वाज द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, उनके मुताबिक ये था, जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मजमूई तौर पर चीज़ है ना, वो अपने क्या नाम है जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, उनके जो सम से भी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी दैट कंसीडर्स बिहेवियरिज्म बिहेवियर फीलिंग्स बिलीव्स एज अ पार्ट ऑफ ए ग्रेटर होल एज नॉट एज सिंपल एंड सेपरेट रिएक्शंस। तो इसमें ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, ऐसी फॉर्म है जिसमें हम बिहेवियर इंसान का बिहेवियर, उसके जो बिलीव्स हैं या उसके जो फीलिंग्स एहसासात हैं, तो ये पार्ट हम लेते हैं एक बड़े मजमू का एक छोटा पार्ट है। ठीक है, और हम इसमें ये नहीं कहते कि ये सेपरेट हैं, बल्कि हम ऐसे मजमू के तौर पर ही हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट इसमें आ जाता है कि इसमें क्रिटिसिज्म गेस्टाल्टिस्ट्स परफॉर्म्ड ओनली इन द एरिया ऑफ परसेप्शन। ये सिर्फ ना परसेप्शन यानी कि लोगों के ख्याल के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग किस तरह किस चीज़ को समझते हैं देखकर। ठीक है, दे डिड नथिंग अबाउट द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस विच आर द फोर्थ। यानी इसमें हम अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को देखते नहीं हैं।
ठीक है, एज ए होल हम चीज़ों को देखते हैं, अनकॉन्शियस चीज़ों को हम इसमें नहीं देखते। और ये भी क्या है, ये अप्रोच भी साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, ये इसमें क्रिटिसिज्म थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो ये हमारे ख़त्म हो गए आज स्कूल ऑफ थॉट्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।